हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी नींद नहीं आती है और नींद ना आने की वजह से आपका चेहरा खराब होता जा रहा है, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे होने शुरू हो गए हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने शुरू हो गए हैं और चेहरे के ऊपर जो है झाइयां आनी शुरू हो गई हैं और रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं और आप उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लग गए हो, तो ये सारी जो परेशानी है अगर आपको नींद ना आने की वजह से होती है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको नींद क्यों नहीं आती है। क्या आप एंग्जाइटी में रहते हो, क्या आप डिप्रेशन में रहते हो, या आप ओसीडी से ग्रसित हो, या आपको बहुत ज्यादा जो चिंता है, तनाव है, किसी चीज को आप बार बार ओवर थिंकिंग करते हो, किसी भी चीज की जब आप बार बार सोचते हो और अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करते हो और जब आप बिस्तर पर भी लेटते हो तो सोचते रहते हो, तो उसकी वजह से जो है आपको नींद नहीं आती है और आंखों के नीचे जो पफी बैग्स बन जाते हैं, आंखों के नीचे कई लोगों के काले घेरे बन जाते हैं, आंखों के आसपास कई लोगों को रिंकल्स आनी शुरू हो जाती है और कई बार कुछ लोगों को नींद ना आने की वजह से, तनाव में रहने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से चेहरे के ऊपर एक दाग धब्बे और झाइयां बटरफ्लाईज बननी शुरू हो जाती है, जिस तरह से माथे के ऊपर बटरफ्लाई, यहां पर बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई बननी शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित है तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे नए व्यूअर्स को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन जो है आप नीचे देखिए, रेड कलर का बटन है, उसको बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल की ऑप्शन आएगी, तो उन सारी ऑप्शंस को जब आप प्रेस कर दोगे तो आप जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने को आप एक हैप्पी मूड में आ जाइए, डिप्रेशन में या चिंता में रहकर वीडियो को नहीं देखना है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट है वो पूरे ही के पूरे 100% मिलने वाले हैं, क्योंकि जो नींद है वो एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल जो है वो एक फ्रेश होके बाहर आती है, एक रिलैक्स होके बाहर आती है, और जब आप अच्छी से सोते हो तब आप में एक एनर्जी होती है, एक नया जोश होता है, काम करने का जोश। और जो लोग भी इस तरह की कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं एंग्जाइटी के लिए, ओसीडी के लिए, डिप्रेशन के लिए, और जिसको हिंदी में तनाव बोलते हैं, तनाव के लिए अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, जिसको के SSRI मेडिसिन कहते हैं, वो मेडिसिन लेते हो तो वो मेडिसिन का पता है आपको काम क्या होता है? वो होता है आपकी जो सेराटोनिन, जो न्यूरोकेमिकल होता है एक तरह का, उसको बढ़ाती है सेराटोनिन को। तो वो मेडिसिन अगर जो चीजें मैं जो डाइट आपको बताने वाली हूँ, जो चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो उससे आप इस मेडिसिन को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या जिस तरह से कई लोगों को क्रोनिक डिप्रेशन है या क्रोनिक एंग्जाइटी है और सुसाइडल अटेम्प्ट तक वो कर चुके हैं, तो बट उनको एक बार डॉक्टर से सलाह करके ही अपनी दवाई छोड़नी होगी। तो इस तरह से एकदम से आप अपनी दवाई को नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप धीरे धीरे इस डाइट को फॉलो करते रहते हैं, अपने डॉक्टर का भी फॉलो अप रखते हैं, देन आप जरूर से जरूर अपनी इस मेडिसिन को छोड़ देंगे और आपको अच्छी नींद आएगी और आंखों के नीचे जितने भी काले घेरे हैं, पफी बैग्स हैं, वो आपको एक हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो उससे पहले हम थोड़ी सी जो है आप इसकी जो बेसिक इसका समझ लेंगे, देन आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। जिस तरह से हमारी बॉडी है, आपको पता है प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के को बनने के लिए प्रोटीन्स बहुत जरूरी होते हैं, और प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स से। तो हमारी बॉडी में दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक असेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हमें अपनी डाइट में से लेना पड़ता है, और जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी ही खुद ही बना लेती है। अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को नहीं बनाती है, जो बॉडी हमारी उसको हमने डाइट से किस तरह से लेना है, वो डाइट में हम शामिल करते हैं ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन नाम का जो एक हैप्पी हार्मोन है, जब आपकी बॉडी वो रिलीज करती है, तो उसकी जब आप मेडिसिन लेते हो,
ठीक है ना। तो जब सेरोटोनिन का एक लेवल कम हो जाता है, न्यूरो केमिकल जो है उसका लेवल कम हो जाता है, तो आप वो मेडिसिंस लेते हो, तो वो मेडिसिंस क्या करती हैं, वो ट्रिप्टोफेन को जो है बढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो ट्रिप्टोफेन को अगर हम डाइट से ही बढ़ा लें तो हमारा जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो भी अपने आप बैलेंस में आ जाएगा, और ट्रिप्टोफेन है जो एक हैप्पी हार्मोन है, जब वो बढ़ने लगेगा तो जो कॉर्टिकोसोल हार्मोन है जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, और जो कि आपको सैडनेस की तरफ लेके जाता है कॉर्टिकोसोल हार्मोन, वो अपने आप से कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो ट्रिप्टोफिन होता है वो होता है पाइनएप्पल में। अगर आप पाइनएप्पल लेते हो अपनी डेली रूटीन में, आप शामिल कीजिए अपने पाइनएप्पल का जो स्लाइस है, थोड़ी सी स्लाइस आपने लेनी ही लेनी है। आप बनाना ले सकते हो, बनाना में भी ट्रिप्टोफिन जो होता है बहुत होता है। आप टमाटर ले सकते हो, दिन में 2 से 3 टमाटर आप खा सकते हो। तो ये तो हो गई आपने कौन सा फ्रूट्स में, पाइनएप्पल हो गया और बनाना हो गया और टमाटर हो गया, आप ये ले सकते हो। अब जो नट्स हैं, नट्स में आपने क्या लेना है, नट्स में आपने काजू, अखरोट, बादाम और सनफ्लावर सीड्स, जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं वो लेने हैं। तो इन सबको लेने से पहले आपने क्या करना है, इनमें फाइटेट्स होते हैं, जो फाइटेट्स होते हैं इनको आपकी गट में जो है अब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं अच्छी से, तो इनको भिगो के लेना होता है। तो आप इसको भिगो के ले सकते हैं, और जो सनफ्लावर सीड्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप हल्का सा रोस्ट करके ले सकते हो। हल्का सा रोस्ट करना है, उसको जलाना नहीं है, रोस्ट करके आप एक डिब्बे में भर लीजिए, देन आप उसके 2 से 3 चम्मच आप रोज ले सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग ले सकते हैं, एग में भी ट्रिप्टोफिन जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। सैल्मन फिश आती है उसमें ट्रिप्टोफिन जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। और जो वेजिटेरियंस हैं वो दूध ले सकते हैं, दूध में ट्रिप्टोफिन बहुत अच्छा होता है, पनीर में ट्रिप्टोफिन बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप ये वाली चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करते हैं, देन आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप मेडिसिन से दूर जाएंगे और अपने आप खुद नेचुरल चीजों के करीब आएंगे। और जो मीठे में अगर आपका दिल करता है, देन आप दूध ले सकते हैं। दूध में आप 10-12 जो केसर के धागे डालिए, उसमें आप रॉ हनी डाल के ले सकते हैं। तो इस तरह से आप दूध ले सकते हैं। और मीठा खाने को मन कर रहा है, देन डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बहुत ही अच्छी होती है, जो आपको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से दूर रखती है। उसमें भी ट्रिप्टोफिन नाम का जो हार्मोन है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। जब आप इसको खाते हैं तो आपको खुशी महसूस होगी अपने आप, अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने आप आपके दूर जाने लग जाएंगे अगर आप ये डाइट लेते हो। और एक लास्ट में मैं आपको एक ड्रिंक भी बताऊंगी, वो ड्रिंक आपने किस तरह से लेना है, रात को सोते वक्त वो ड्रिंक को बनाकर आप ले सकते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि और क्या कर सकते हैं। एक और चीज है जो आपने सोने से पहले करनी है, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है इस तरह से। इस तरह से आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, और जो 4 से 5 बार आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आपको बताऊंगी, वो आपने दबाने हैं, जिससे कि क्या होगा, एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो आपको नींद लेकर आता है। मेलाटोनिन हार्मोन, तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो जो है वो रात को ही रिलीज होता है। जिस तरह से जब आपकी आंखें जब अंधेरा देखेंगी ना, कि अंधेरा होने लगा है, देन वो मेलाटोनिन हार्मोन अपने आप रिलीज होना शुरू हो जाता है अंधेरा देखने पे। तो जिस तरह से रात को 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो पीक पॉइंट पे होता है, रिलीज होता है बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों का मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता उनको भी कई बार नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने ताकि जो आपका हार्मोन है वो अच्छी से वो जो नींद है आपको घेर ले। तो एक तो होगी डीप ब्रीदिंग, मैंने आपको बता दी वो करनी है। जो नेक्स्ट चीज़ है आपने क्या करनी है, आपने अपनी ये वाली फिंगर्स ले लेनी है इस तरह से। ये देखिए, ये बीच वाली फिंगर और ये अंगूठा, ये बीच वाली फिंगर और ये अंगूठा, इसको आपने इस तरह से आपने लेट जाना है। लेटने के बाद आप अपने दिमाग को पूरा रिलैक्स कर दीजिए, दिमाग को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसको इस तरह से दबाना है आपने, इस तरह से आपने आंखें बंद करके दबाना है, और कोई भी टेंशन है दिमाग में, कुछ भी चल रहा है उसको सोच लेना है कि बस भाई आज कुछ नहीं, सब कुछ कल करेंगे,
ए भगवान तेरा शुक्रिया, आज का दिन तूने मेरा इतना अच्छा बिताया, कल का दिन भी तू मेरा ऐसे जा, बाकी सब गई बातें भाड़ में, अब सब कुछ करेंगे कल। बस आराम से यही चीजें सोचते सोचते, इसको दबाते दबाते देखना आपको कितनी अच्छी नींद आ जाएगी। अब ऐसे करके देखो, अभी से आपको सुस्ती छाने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी, आंखें आपकी भारी हो जाएंगी, करके देखो ठीक है। हाँ, और दूसरी अब एक और चीज है जो लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी, आपने लेनी है हरड़। तो हरड़ को आपने एक पत्थर के ऊपर घिस लेना है, घिसने के बाद आपने उसमें डालना है एलोवेरा। तो आप उसमें एलोवेरा डाल दीजिए और साथ में आपने उसमें ऐड करना है विटामिन ई की एक या दो बूंदे आपने विटामिन ई की ऑयल करनी है। उसको हाथ के ऊपर इसी तरह ले लीजिए, थोड़ा सा हरड़ का पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें एलोवेरा ऐड कीजिए और थोड़ा सा उसमें विटामिन ई का ऑयल ऐड कीजिए, ठीक है ना। उसको अच्छी से हाथ के ऊपर ही इस तरह से बना लीजिए या एक कटोरी में बना के रख लीजिए। ज़्यादा नहीं बनाना है, फ्रेश ही बनाइए हाथ के ऊपर, क्योंकि आंखों के आसपास कितना लग जाएगा, थोड़ा ही लगेगा ना। तो वो आपने ले लेना है और आंखों के नीचे जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे आपने लगा लेना है, जहाँ पे आपके रिंकल्स हैं वहाँ पे आपने लगा लेना है, और जहाँ के पे आपके बटरफ्लाइज बन रही है, दाग धब्बे हैं जहाँ पर भी, वहाँ पे आपने उसी जगह पर, उतनी जगह पर ही आपने उसको अप्लाई कर लेना है। और जो चीज़ है वो है आपने हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, बैलेंस डाइट लीजिए, सब कुछ खाइए। सब कुछ का मतलब है कि 70% जो है अनकुक्ड फूड खाइए और 30% जो है वो कुक्ड फूड खाइए। मैदे की बनी हुई चीज़ों से, फ्राइड फ्रूट से, फ्राइड फूड से आप दूर रहिए। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, लाफिंग थेरेपी बहुत ही अच्छी होती है, लाफिंग थेरेपी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जो आपका दिमाग है इसको बेवकूफ बनाना बहुत ही इजी होता है, ये आपके हाथ में है, आप इसको किस तरह से बेवकूफ बना सकते हैं। जिस तरह से अगर आप लाफिंग थेरेपी करते हो तो आपका हार्मोन बहुत ही जो है अच्छी से रिलीज होता है, ट्रिप्टोफैन हार्मोन रिलीज होता है, बढ़ता है आपका हैप्पी हार्मोन। और गुस्सा नहीं करना है, अगर आप गुस्सा करने की एक्टिंग भी करते हो ना तब भी आपका कॉर्टिकोसोल हार्मोन बढ़ता है। तो इसलिए कभी गलती से भी गुस्से की एक्टिंग भी आपने नहीं करनी है, हमेशा करनी है तो खुश रहने की एक्टिंग कीजिए ताकि आपका हैप्पी हार्मोन बढ़ सके, ठीक है। भ्रामरी कर सकते हैं, भ्रामरी जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो आपको अंदर से शांत करेगा। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, देन एक कैंडल लीजिए, कैंडल को अपने बिल्कुल सामने आप कैंडल को जला लीजिए और ध्यान दीजिए उसमें, कैंडल के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना ध्यान वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो एक अंदर से यहाँ से आप जो है ओम का उच्चारण कीजिए, एक लंबा सा ओम का उच्चारण कीजिए दिन में, सुबह उठकर ओम का उच्चारण कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगी, आपका दिन जो है उसकी शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी कि आप पूरा दिन खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है ड्रिंक। तो रात को सोते वक्त आपने जो एक ड्रिंक बनाना है, वो ड्रिंक जो मैं खुद पीती हूँ और उस ड्रिंक को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए आपको जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो नोट कर लीजिए। उसके लिए आपको चाहिए दूध, दूध में आपने डालने हैं 10-12 जो धागे हैं, 10 से 15 भी आप डाल सकते हो, थोड़ी सी जो केसर की तासीर होती है वो गर्म होती है, तो इसलिए गर्मियों में ध्यान रखें, अभी तो विंटर्स चल रहे हैं तो आप 10 से 15 धागे केसर के आप उसमें डाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपने डालना है खजूर, तो खजूर को क्या कीजिए, खजूर अगर सीडलेस है तो इसी तरह डाल दीजिए, अगर सीड है तो सीड उसमें से निकाल के उसकी खजूर को सीड निकाल के खजूर को जो साइडों से निकाल के खजूर उसमें डाल लीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आपने डालनी है उसमें, अगर आप एक कप बना रहे हो देन आप उसमें, मैं तो 2 इलायची डालती हूँ, अगर आपको इलायची ज्यादा पसंद नहीं है देन आप उसमें 1 इलायची डाल सकते हैं। इलायची बहुत ही अच्छी होती है आपको, आपका जो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, तो उसमें आप इलायची को कूट कर या इलायची का पाउडर बना के रख दीजिए, 1 चुटकी उसमें डाल लीजिए। तो मैं तो 2 चुटकियां डालती हूँ, क्योंकि 2 इलायची का मतलब है 2 चुटकियां, 1 इलायची का मतलब है 1 चुटकी, ये आप खुद ही देख लीजिए आपने कितनी डालनी है।
अब जो नेक्स्ट चीज आती है उसमें आती है बड़ी ही प्यारी चीज है, मेरी फेवरेट चीज है, वो है बादाम। तो बादाम जो है आपने उसी टाइम पे उसको बादाम को हल्का सा कूट लीजिए, कूटने के बाद आप दूध में बादाम डाल लीजिए। बादाम डाल लिए अब उसको सारी चीजों को आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद अगर आप उसको ऐसे ही पीना चाहते तो ऐसे ही पी लीजिए, बट मैं जैसे पीती हूँ आपने उसको निकाल लेना है मिक्सर ग्राइंडर में, जो है आपने उसको एक बार घुमा लेना है, अपने एक स्मूदी सी उसकी जो बना लेनी है, एक शेक बना लेना है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है वो शेक। अगर आप उसको इसी तरह पी सकते हैं तो खजूर को चबा लीजिए, जो बादाम है उनको भी चबा लीजिए, तो इस तरह से भी है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, तो आप ये वाला ड्रिंक पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।